अपनी बड़ी खबर दिखाने के लिए आपको यूएन के मंच से इमरान की एटमी जंग की धमकी। बड़ी खबर, कश्मीर पर एटमी जंग का खतरा। इमरान खान यूएन में मोदी आरएसएस का नाम लेकर रोते रहे। इमरान खान, धर्मनिरपेक्ष देश से अब हिंदू राष्ट्र बना भारत। इमरान खान, आरएसएस भारत को सिर्फ हिंदुओं का मानता। इमरान खान, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, ये क्या मामला है? इमरान खान, मुझे याद है हम दोनों मौजूद थे यूएन में लास्ट ईयर, और वो जरा टू विंडो दिखाएं, इमरान खान का पिछला एड्रेस और आज का एड्रेस। आप और मैं दोनों मौजूद थे जब इमरान खान ने यही धमकी दी थी और सारे वर्ल्ड लीडर्स ने कहा था ये क्या तमाशा है, हाउ केयरलेस दिस मैन इज, ये क्या मजाक है इमरान खान का। मनीष, निशांत आपने, और देखिए इमरान खान का ये भाषण मुझे लगता है पिछली बार वाला ही वो कॉपी लेकर आ गए थे, क्योंकि अक्षर से वही सब कुछ उन्होंने कहा है इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। और अभी मैं किसी को कह रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जहां एक ग्लोबल लीडर का भाषण होगा, वहीं इमरान खान का भाषण एक लोकल लीडर का है। आप जैसे गली मोहल्ले में छोटे पंचायत के इलेक्शन में जैसे बात करते हैं, उसी तरह से आप सोचिए कि इमरान खान के भाषण की में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक तरफ आप गैर जिम्मेदार नेता के तौर पर एटम बम के इस्तेमाल की बात करते हैं, दुनिया में कौन इसको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट समझ सकता है, वहीं दूसरी तरफ आप ऐसी ओछी राजनीति को एक वैश्विक मंच पर लाकर रखते हैं, तो इमरान खान से इसकी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि इस बार हम और आप प्रधानमंत्री मोदी का भाषण यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सुनेंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,